देखिए और आप देख रहे हैं सही रेस्टोरेंट। नाजरीन, आज की वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे कि किस तरह आप मेटाफेक्स ग्लोबल के अंदर आपकी जो अर्निंग अमाउंट है उसको आप दोबारा री इन्वेस्ट करते हैं। चूंकि आपको पता है कि हमें उसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए जो है वो डिपॉजिट करना होता है, और जब आप डिपॉजिट करेंगे तो उसके लिए आपको बहुत सारे कम्प्लेक्स मेथड्स फॉलो करने पड़ते हैं। उस मेथड से छुटकारा पाने के लिए जो आपकी अर्निंग अमाउंट है, जो वो अमाउंट जो आप अर्न कर चुके हैं, उस अमाउंट को जो है वो आप दोबारा री इन्वेस्ट कर दें। तो री इन्वेस्ट का कोई ऑप्शन आपको नहीं मिल रहा, लेकिन ये एक ट्रिक है, इसको यूज़ करके आप दोबारा अपनी अर्निंग अमाउंट जो है इसको दोबारा री इन्वेस्ट कर सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाल बटन को प्रेस करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसके साथ बेल की नोटिफिकेशन को ऑन रखें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोज़ आपको बरवक्त पहुँच सके। तो टाइम वेस्ट किए बगैर चलते अपनी वीडियो की जानिब। जी नाज़रीन, ये मेरा मेटाफेस ग्लोबल का जो है वो डैशबोर्ड है। इसमें मैं आपको दिखा दूँ कि मेरा जो अर्निंग अमाउंट है वो क्या है जी, $18 जो मैंने कमाए हुए हैं अभी तक। ठीक है, अब इस $18 को मैं दोबारा री इन्वेस्ट कैसे करूँ? आप जानते हैं कि मेटाफेस ग्लोबल की सबसे जो कम इन्वेस्टमेंट है, जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है, वो $50 है। ठीक है, तो उम्मीद में वैसे आपको मेथड यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि किस तरीके से आप उसको इन्वेस्ट कर सकते हैं, अपना अर्निंग अमाउंट जो है उसको दोबारा री इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले आपको करना क्या होगा कि आपको अपना X2 वैलेट क्रिएट करना होगा। X2 वैलेट कैसे क्रिएट करते हैं वो मैंने पिछले वीडियो में आपको दिखाया है कि आप कैसे X2 वैलेट क्रिएट कर सकते हैं। X2 वैलेट मेटाफेस ग्लोबल का अपना एक वैलेट है जो उन्होंने तकरीबन 2-3 दिन पहले मुतारफ करवाया है। तो सबसे पहले आपको जाना क्या होगा जी, माई मनी में, उसके बाद विड्रा में जाना होगा। $100 इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं या विड्रा लेना चाह रहे हैं तो उसमें जो आप अगर $100 आप री इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, आपके अर्निंग अमाउंट $100 है और उसको आप री इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, तो वो आपके $99 जो है वो आपके अकाउंट में री इन्वेस्ट होंगे। ठीक है, तो उस $99 को हम कैसे इन्वेस्ट करेंगे? तो सबसे पहले आपको जाना होगा विड्रा में। आप विड्रा में जाएंगे तो विड्रा में आपके साथ बहुत सारी वैलेट्स आपके सामने पड़ी है। ये जो है बिटकॉइन का वैलेट है, उसके बाद ये परफेक्ट मनी का वैलेट है, और उसके बाद X2 वैलेट है। हमने X2 वैलेट पर क्लिक करना है। वो लोग जिनका X2 वैलेट नहीं बना उनके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह शो हो जाएगा कि उनको बताया जाएगा कि आप अपना X2 वैलेट क्रिएट करें। नीचे क्रिएट का बटन दिया गया होगा, फिर उनको पासवर्ड और वो सब चीज़ें जो है उनको ईमेल में भेजी जाएगी कि आपकी ये पासवर्ड है और ये है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि आपने किस अकाउंट से जो है वो इन्वेस्ट करना है। ठीक है, विड्रा लेना है, तो सबसे पहले आपने विड्रा लेना है X2 वैलेट में। तो उसके बाद मैं स्टेप बताता हूँ, स्टेप बाय स्टेप आपने यही फॉलो करना है। आपने सबसे पहले एक अकाउंट सेलेक्ट करनी है, फॉर एग्जाम्पल मैं अर्निंग अकाउंट सेलेक्ट करता हूँ, उसमें अभी तक मेरे पास $16 पड़े हुए हैं। ठीक है, अभी मैं यहाँ पर लिखता हूँ $16। ठीक है, यहाँ पर मैं सेंड ओटीपी पर क्लिक करूँगा तो मेरे जीमेल पे मुझे एक ओटीपी मिलेगी जो मैं यहाँ पर पुट करूँगा। ठीक है, यहाँ पर मैं पुट करूँगा और सबमिट कर दूँगा तो मेरे X2 वैलेट के अंदर जो है वो मेरे पैसे जो है वो विड्रा हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक आप देख चुके हैं कि हमारा जो अर्निंग बैलेंस था वो हमने X2 वैलेट के अंदर विड्रा कर लिया, और वो भी इंस्टेंटली उसी वक्त विड्रा हो गया। ठीक है, अब हम जाते हैं अपने X2 वैलेट की तरफ और यहाँ पर देखते हैं कि हमारे X2 वैलेट के अंदर क्या प्रोसेस चलता है। ठीक है, ये हमारे X2 वैलेट का डैशबोर्ड है। ठीक है, X2 वैलेट के डैशबोर्ड में जाने के बाद यहाँ पर हमें शो हो जाएगा कि हमारे X2 वैलेट के अंदर कितना बैलेंस पड़ा हुआ है। अभी हमारे पास 0-0 बैलेंस, आप देख सकते हैं 0-0 है। जब हम यहाँ पर विड्रा लेंगे तो इसमें $16 हो जाएगा यहाँ पर। तो फिर हमने करना क्या है, हमने इस $16 को दोबारा इन्वेस्ट करना है बगैर किसी फीस के। वो 1% फीस तो लग गया, अब हम उस फीस के बगैर हम इसको कैसे इन्वेस्ट करते हैं? इन्वेस्टमेंट के लिए हमें अब क्लिक करना होगा माई मनी में, उसके बाद डिपॉजिट फंड, क्योंकि आप उसको री इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ये री इन्वेस्टमेंट का एक मेथड है। आपने डिपॉजिट फंड पे क्लिक करना है। डिपॉजिट आप यहाँ किस तरीके से कर रहे हैं, X2 वैलेट से, क्योंकि आपके पास X2 वैलेट में बैलेंस पड़ा हुआ है, और यहाँ पर जो है आप डिपॉजिट जब करेंगे तो नो कमीशन, कोई भी कमीशन या फी उसके ऊपर नहीं है। तो आपको क्या करना होगा, डिपॉजिट पे क्लिक करना होगा X2 वैलेट के। यहाँ पर अभी तक ही लाइव नहीं हो चुका है, क्यों? क्योंकि अभी इसके ऊपर और मजीद काम चल रहा है। अगर ये तकरीबन इंशाल्लाह बहुत ही जल्द जो है X2 वैलेट जो है वो डिपॉजिट के लिए वो लाइव हो जाएगा। ठीक है,
तो ये मेथड है कि आप इस मेथड के ज़रिए जो है वो अपने मेटाफेस ग्लोबल में जो है वो अपना जो अकाउंट जो रकम है वो आप री इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए मेथड क्या है कि आपने यहाँ से भी आप कर सकते हैं। और दूसरा मेथड ये है कि मेटाफेस ग्लोबल का जो वैलेट है X2 वैलेट, उसमें जाना है और X2 वैलेट के यहाँ इस बटन पे क्लिक करना है, रिसीव की बटन पे, यहाँ पर सेंड पे क्लिक करना है। अब जब सेंड पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने दो चीज़ें शो हो जाएंगी, X2 वैलेट और मेटाफेस ग्लोबल। अब हमने मेटाफेस ग्लोबल की किसी अकाउंट में हमने डिपॉजिट करवाना है, सेंड करवाना है, तो यहाँ पर हम अपना वो ईमेल लिख लेंगे, ठीक है, जिसमें हमने डिपॉजिट करवाना है। ठीक है, वो हमने लिख लिया यहाँ पर, नोट क्या है, इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट हमने करनी है और कंटिन्यू। हम कंटिन्यू करेंगे तो हमारे अकाउंट में जितना भी रकम है यहाँ पर, फॉर एग्जांपल हम कितना कर रहे हैं, $16 कर रहे हैं, तो हमारे पास $16 भी नहीं है लेकिन हमने फ़र्ज़ किया, तो वो हम यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे और वो हमारे अकाउंट में डिपॉजिट हो जाएगा। तो ये भी एक बेहतरीन स्टेप है क्योंकि यहाँ पर कमिंग सून शो हो रहा है, यहाँ पर, यहाँ से भी आप कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं, दोनों मेथड आपके लिए बिल्कुल ईजी है। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने आपको ये समझाया कि आप कैसे जो है वो X2 वैलेट को यूज़ करके अपना जो अर्नड मनी है उसको दोबारा री इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। लेकिन जाने से पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।